गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5 लास्ट एक्सरसाइज है बेटा। सम नंबर 2 तक कल हमने किया था, आज सम नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 है वही पुरानी मेथड है पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन लेंदी है, वो ध्यान दीजिएगा। जेड इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है ब्रैकेट में 1/1 - 4i -2/1 + i ब्रैकेट में 3 - 4i और नीचे 5 + i। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, दैट मीन्स a प्लस आई बी के फॉर्म में। थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है, सम बिल्कुल ईजी है। ओके, जो दिया है उसी के अंदर आगे बढ़ो। जैसे पहले ये दोनों के बीच में माइनस है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका एलसीएम लेके उसको सॉल्व करो। चलो ना, नीचे 1 ब्रैकेट 1 - 4i, दूसरा ब्रैकेट 1 + i, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो 1 + i, इसका 2 के साथ पर माइनस है तो 1 का 2 के साथ -2 -(+8i). जितना डायरेक्ट होता है उतना कीजिएगा, तो उतने स्टेप कम। दूसरे ब्रैकेट में (3 - 4i) (5 - i). चलो ठीक है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। चलो तो 1 - 2 तो -1, (+i) (8i) तो (+9i). नीचे ब्रैकेट तोड़ दो, 1 का 1 के साथ 1, 1 का i के साथ i, -4i का 1 के साथ -4i और i के साथ -4i² JEE में से बहुत सारे सम आएंगे जिसमें ऐसा कॉम्प्लिकेटेड दिया हो, कुछ भी मिक्स करके दिया हो, कितना भी मिक्स करके क्यों ना दिया हो, अल्टीमेटली लास्ट में तो a + ib के फॉर्म में हो ही जाएगा। क्लियर, चलो करते जाने का एक्सप्लेन। इधर वही का वही, तो -1 + 9i थोड़ा एडवांस। चलो i² - 1 हो जाएगा तो -(-+4) होगा, तो +4 + 1 = 5, (i - 4i) = -3i। अभी दूसरे ब्रैकेट में क्या था, 3 - 4i नीचे 5 + i। चलो तो अब ऊपर का मल्टीप्लीकेशन है तो ऊपर का ऊपर के साथ नीचे का नीचे के साथ करो, तो -1 का 3 के साथ -3, -1 का 4i इसके साथ तो -(-+4i), -1 का 4 के साथ -(-+4i), 9 का 3 के साथ 9 = 3 = 27i और 9 = 4 - 36i². क्लियर, चलो नीचे की बात, तो 5 का 5 के साथ 25, क्लियर 5 का 5 के साथ क्या हो जाएगा 25, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते रहे। आगे की बात, 5 का i के साथ तो 5i, -3i का 5 के साथ - 15i और इसके साथ - 3i² करो जितना होता है। ये i² - 1 हो जाएगा, -(-+36) - 3 तो +33, 27 + 4 तो 31i, 27 + 4 = 31i। नीचे भी -(-+3) + 25 तो 28, +5 - 15i = -10i। चलो सिंपल फॉर्म में लेके आए, न्यूमेरेटर है डिनोमिनेटर है, पहले बहुत सारे स्टेप थे उसमें से सिंगल स्टेप में लाए। अब डिनोमिनेटर में आई तो नहीं चाहिए, तो उसको निकालने के लिए क्या करना है बेटा, रेशनलाइजेशन, दिस इज द फाइनल स्टेप। ओके, चलो 28 + 10i से ऊपर और नीचे 28 + 10i से नीचे, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। 33 का 28 के साथ मल्टीप्लीकेशन, साथ में रखता हूँ, 33 × 28 आंसर 924, 33 का 10 के साथ तो 330i, 31 का 28 के साथ 31 × 28 तो 868 और 31 का 10 के साथ तो 310i × ii². नीचे तो दोनों ब्रैकेट सेम है तो पहले का स्क्वायर 28 का स्क्वायर तो 28 × 28 784, बीच में कंपलसरी माइनस, 10 का स्क्वायर 100
और आई का स्क्वेयर आई स्क्वेयर। चलो आगे की बात, आई स्क्वेयर माइनस वन, तो 310 माइनस, तो 924 माइनस 310, तो आंसर 614, वो विदाउट आई वाला। 330 प्लस 868, 330 प्लस 868 टोटल 1198 आई। और नीचे की बात, आई स्क्वायर दैट मीन्स क्या, माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस 100, तो 784 प्लस 100, तो 884, क्या हुआ 884। चलो क्लियर। अब 884 पहले के डिवाइडेशन में दूसरे के डिवाइडेशन में जाएंगे, तो डालो 614 के डिवाइडेशन में 884 प्लस 1198 के डिवाइडेशन में 884 आई, दिस इज द आंसर। पर टेक्स्ट बुक में थोड़ा छोटा सा रिड्यूस किया हुआ है, 614 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 614 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आता है 307, क्योंकि ऊपर नीचे 3 से 2 से डिवाइड होगा। और 884 को 2 से करो, तो 884 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आएगा 442, तो 442 प्लस 1198 को भी करो, तो 1198 डिवाइड बाय 2, तो होगा 599, क्या होगा 599, और ये हो जाएगा 442 आई, दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो, है कैलकुलेशन लेंदी पर सिंपल ही है, जो भी जितना कॉम्प्लिकेटेड दिया हो, एलसीएम होता है तो एलसीएम लो, मल्टीप्लिकेशन हो तो मल्टीप्लिकेशन करो, करते जाओ, लास्ट में अल्टीमेटली इस तरह का स्टेप आ ही जाएगा। जब इस तरह का स्टेप आए और डिनोमिनेटर में कुछ दिखे तो रेशनलाइजेशन करने का, डिनोमिनेटर में कुछ ना दिखे तो मैटर सॉल्व, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आ गया। अल्टीमेटली हमको यही लाना है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। वो डिनोमिनेटर में आई हो तो, कॉन्स्टेंट हो तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे सम JEE में काफ़ी सारे दिखेंगे, पर एक्सप्लेनेशन करते जाना है ध्यान रख के। समझ में आया? सबसे पहले क्या किया, तो ये दो ब्रैकेट के बीच में माइनस था, तो LCM लेके पहले एक कॉमन ब्रैकेट बनाया, बाजू वाला तो तब तक पड़ा है, फिर दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे का नीचे करके एक सिंपल बनाया, नीचे आई वाला आया, तो हम ऑलरेडी पहले ऐसे सम कर चुके हैं कि रेशनलाइज करके ऑपोजिट ब्रैकेट से ऊपर नीचे, फिर ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले नीचे, ब्रैकेट तोड़े, तो नीचे तो एक कांस्टेंट बन गया पहले के डिवाइडेशन में, दूसरे के डिवाइडेशन में। बात करता हूँ नंबर फोर, थोड़ा अलग टाइप का सम है। ओके, दो मेथड से होता है, इसमें मेरे पास एक शॉर्टकट है, उसको पहली प्रायोरिटी देते हैं। इफ़ एक्स माइनस आई वाई करके क्वेश्चन कंपलसरी दे दिया है अंडर रूट में, ए माइनस आई बी और सी माइनस आई डी, सी माइनस आई डी, एंड प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जब ऐसी चीज़ हो फ्यूचर में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए, चलो ये माइनस वाला है एक्स माइनस आई वाई, उसको नंबर वन बोल दो। ये माइनस की जगह पे अगर मैं प्लस कर दूँ ना, तो फर्क क्या पड़े पता है, अंदर जितने जितने भी माइनस वाले हैं आई वाले, वो सब प्लस हो जाए, क्या हो जाए सी प्लस आई डी, इक्वेशन नंबर टू। समझ में आ रहा है, माइनस की जगह पे अगर प्लस किया जाए तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाए, इतना फर्क कि भाई इमेजिनरी पार्ट है उसको मैंने प्लस किया, तो जितने भी इमेजिनरी पार्ट है वो उसकी साइन चेंज। ओके, नाउ मल्टीप्लाई वन एंड टू, वन एंड टू को मल्टीप्लाई करो, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले दो ब्रैकेट एक्स माइनस आई वाई एक्स प्लस आई वाई, राइट हैंड साइड वाले तो a माइनस आई बी, नीचे c माइनस आई डी, और a प्लस आई बी, नीचे c प्लस आई डी। क्लियर? चलो ठीक है, अब ये दोनों को ब्रैकेट को तोड़ो, देखो ये दोनों सेम ब्रैकेट हैं, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव है, तो पहले का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। पर यहाँ पे देखो एक कॉमन अंडर रूट बना दिया, तो ऊपर दो ब्रैकेट ए माइनस आई बी, दूसरा ए प्लस आई बी,
नीचे दो ब्रैकेट सी माइनस आई डी, दूसरा सी प्लस आई डी। आ रहा है समझ में? आगे की बात करो बेटा, ये एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर खुद माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस तो वाई स्क्वायर आया। सेम चीज ब्रैकेट में होगी, पहले का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम ही है। ये रखो अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, चलो तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर आई स्क्वायर का माइनस वन नहीं, तो माइनस माइनस प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऑलमोस्ट सेम आ रहा है हमको जो प्रूवेट करना है। बस फर्क इतना है कि इधर होल स्क्वायर चाहिए, तो बोथ साइड स्क्वायर करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे होल स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट निकल जाएगा और कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। बैठा दिमाग में, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन अभी चैप्टर में रहेगा, एक्सरसाइज में अगेन समझाता हूँ, पर समझाऊंगा पूरा, कोई डाउट ना हो। माइनस वाला ब्रैकेट है बेटा, फ्यूचर में ऐसा प्रोजेक्ट करना है तो एडवांस के मैं ऑपोजिट प्लस से ले लूँ तो जो भी इमेजिनरी पार्ट है वो प्लस हो गए, फिर दोनों का दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन किया, फिर तो आप समझ ही रहो बिल्कुल ईजी, ब्रैकेट तोड़े दोनों तरफ होल स्क्वायर किए एंड बात खत्म। क्लियर, सिंपल। नंबर फाइव, एग्जाम्पल नंबर फाइव में दो चीज़ है, वैसे आप सीख चुके हो फिर भी मैं वन कराता हूँ, एक आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो नंबर फाइव में आपको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, आप सीख चुके हो, पोलर फॉर्म आपके लिए नया है, नहीं याद है ना, वो मॉड्यूलस एन आर्ग्यूमेंट ढूंढने का। तो पोलर फॉर्म में पहले वाला है z इज इक्वल टू वन प्लस सेवन आई, नीचे टू माइनस आई का होल स्क्वायर, ये मैं कराता हूँ विदाउट होल स्क्वायर वाला, नंबर टू है वो आपको होमवर्क के करना है, फाइव में भी दो सम है। ओके चलो स्टार्ट करें, तो 1 प्लस सेवन आई अपन टू माइनस आई का होल स्क्वायर, पहले इजी बनाओ, ऊपर 1 प्लस सेवन आई वो तो ठीक है, नीचे होल स्क्वायर करो तो 2 का होल स्क्वायर 4, मिडल टर्म 2 जा 2 4 आई एंड लास्ट में आई स्क्वायर। चलो तो अगेन 1 प्लस सेवन आई, आई स्क्वायर खुद माइनस वन, तो 4 माइनस वन 3 माइनस 4 आई। चलो ये नॉर्मली हुआ जो स्टेप जो एग्जाम्पल नंबर टू में आपको रेडीमेड दिया है ऐसा बना के। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सीधी बात है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ही चाहिए, तो डिनोमिनेटर नॉट अलाउड, तो डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, दैट मीन्स उसमें कुछ कांस्टेंट चाहिए, तो रेशनलाइजेशन वही पुरानी बात, 3 प्लस फोर आई से ऊपर 3 प्लस फोर आई से नीचे। चलो ऊपर ब्रैकेट तोड़ो तो 1 का 3 प्लस फोर आई के साथ मल्टीप्लीकेशन, 7 आई का 3 के साथ तो 21 आई, और 7 का 4 के साथ तो 28 आई स्क्वायर, नीचे दोनों सेम है, पहले का स्क्वायर 9 दूसरे का 4 आई स्क्वायर। चलो आगे की बात करें तो आई स्क्वायर क्या है, माइनस वन, तो 3 माइनस 28 तो माइनस 25 हो जाएगा, और 4 प्लस 21 तो 25 आई हो जाएगा। चलो 9 आई स्क्वायर माइनस 9 प्लस आई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी, 4 का स्क्वायर 16 तो रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस वन तो 16, तो माइनस 25 प्लस 25 आई, नीचे 16 प्लस 9 तो 25, पहले के डिवाइडेशन में जाएगा तो माइनस वन, दूसरे के डिवाइडेशन में जाएगा तो प्लस आई, डेट टू कॉपी आपने सम किया है। ओके नंबर भी आपको बता दूँ, क्योंकि 5.3 में 2 में ऐसे बहुत सम किया आपने, माइनस वन प्लस आई नंबर फोर। ओके एक्सरसाइज 5.2 एग्जाम्पल नंबर 4 सेम, कोई चेंज नहीं। ओके 5.2 में एग्जाम्पल नंबर 4 पोलर फॉर्म में माइनस वन प्लस आई ही है, कोई चेंजेस नहीं, बोलो है बिल्कुल कॉपी पेस्ट। तो बस ये स्टार्टअप का थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत कितनी भी करके देखो इसको हम इस फॉर्म में ला सकते हैं तो ये तो क्या चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, इसको भी आप ला सकते हो। आया कि नहीं समझ में?
बिल्कुल ईजी है और अच्छे से समझ। यहाँ से आगे आपको वही पूरा पोलर फॉर्म करना है। कैसे? तो मॉड्यूलस आर इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर्ग्यूमेंट जेड, तो पहले आपको मतलब कि एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, दोनों में से क्वाड्रेंट डिसाइड हो। क्वाड्रेंट के हिसाब से पहले आपको विदाउट साइन देखे एंगल थीटा मिले, थीटा के बाद क्वाड्रेंट डिसाइड होके अल्फा मिले, और अल्फा मिलने के बाद पोलर फॉर्म जेड इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा। क्लियर? आर ब्रैकेट में कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। उसी में नंबर टू, वो आपको होमवर्क में करना है पूरा का पूरा। सेम सिचुएशन सेम कंडीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही यहाँ से स्टार्टअप होता है तुम्हारा सम। नंबर सिक्स पे चलते हैं, जितनी स्पीड हो उतना अच्छा। 6, 7, 8, 9 वन जेम फोर का रेशियो, बाय वन गेट फोर फ्री। ओके, वैसे तो एक भी कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम जानते हो बेटा, सॉल्व दी इक्वेशन, इक्वेशन सॉल्व करने हैं। 6, 7, 8, 9 देखो सब में वो एबीसी वाली मेथड 5.3 में हमने लास्ट टाइम देखा था, फिर भी रिमेंबर करने के लिए एक पहला ही कराता हूँ जो टफ है। 3x² - 4x + 20/3 इज इक्वल टू जीरो। वॉट इज ए? ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -4 एंड सी इज इक्वल टू 20/3। क्लियर? ए रेडी, बी रेडी, सी रेडी। तो सीधी बात है कि हमको x ढूंढने के लिए इक्वेशन था ऐसा, याद है, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट में b² - 4ac / 2a। तो माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस फोर, अंडर रूट में b² तो -4 का स्क्वायर 16, -4 है, a है 3 है, c है 20/3 है, / 2a तो 3 = 2, 6। तो 4 प्लस और माइनस अंडर रूट में 16 माइनस 3 कैंसिल, 20 = 480/6। थोड़ा आगे बढ़ो बेटा, 4 प्लस और माइनस 16 माइनस 80 कितना होता है? 64, पर 64 प्लस नहीं माइनस, और हमें माइनस ही चाहिए तब जाके ही काम होगा हमारा, / 6। ओके, चलो तो माइनस निकाल दो तो आई मिल जाएगा हमें, तो 4 प्लस और माइनस आई क्या हो जाएगा? आई। ओके, तो माइनस आई निकाल दो तो 64 का अंडर रूट भी निकलता है, और क्या होता है अंडर रूट? 8। क्या होता है? 8। चलो एक स्टेप भले ज़्यादा करे लिखता हूँ मैं, तो ऐसे आई अंडर रूट में 64/6 क्योंकि माइनस निकल गया, तो 4 प्लस और माइनस 8 आई, 6 पहले के डिवाइडेशन में, 6 दूसरे के डिवाइडेशन में, जितना होता है उतना सिंपल बनाओ। तो 2 से कैंसिल करोगे तो 2/3 प्लस और माइनस, चलो 2 से करोगे तो 4/3 आई, दो चीज़ मिल गई हमें। तो नाउ द लास्ट स्टेप, x के दो कंपोनेंट क्या क्या? तो 2/3 प्लस 4/3 आई एंड 2/3 माइनस 4/3 आई। दिख रहा था टफ पर है इजी। ओके, बोलो समझ में आया सभी को? बिल्कुल सिंपल तरीके से बेटा, अगेन एग्जांपल नंबर 6, एबीसी डिसाइड करो, शायद प्लस माइनस की मिस्टेक हो तो देख लेना बेटा। ओके, उसके बाद आगे एक्स इज इक्वल टू -b प्लस और 5.3 पूरी एक्सरसाइज, कोई भी अंडर रूट वाला भी नहीं है जो 9, 10 में था। देखो नंबर 7, 8, 9 सब कुछ सिंपल है, इक्वेशन डालो, दो कंपोनेंट बनाओ, मैटर क्लोज। ये तो निकलता है इफ्तिया कि यहाँ पे 64 का अंडर रूट नहीं निकलता, तो अंडर रूट के साथ हमने आंसर लिखे ही है, अंडर रूट 7, अंडर रूट 19 बहुत सारे समय से। क्लियर? तो नंबर 7, एग्जांपल नंबर 8 एंड एग्जांपल नंबर 9, ये तीनों के तीनों होमवर्क में बेटा, क्योंकि तीनों के तीनों सेम टाइटल से जुड़े हुए हैं, सॉल्व दी एग्जाम्पल, सॉल्व दी इक्वेशन। ओके, नंबर 10 इजी है पर वो मैं कराऊंगा, पर नंबर 9 तक तो कोई इश्यू आपको होगा नहीं ऐसा मेरे को लगता नहीं है। पीछे भी आते हैं कुछ कुछ सेम सम, पर जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे देखेंगे, एक साथ उसको हेडक या बर्डन नहीं लेना है। काफ़ी सम बेटा सॉल्व हुए, 3 से स्टार्ट किया, 9 तक हमारा क्लियर हो गया। 3 मैंने पूरा करवाया, 4 करवाया, 5 में 2 थे,
तो एक करवाया और दूसरा आपको दिया हुआ है 6, 7, 8, 9 चार सेम थे, तो इसमें 6 डेमो के लिए करवाया, बाकी सब कुछ अगले लेक्चर में ये हो चुका है, तो आपके लिए कुछ नया नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, समझ रहे हो ना। तो नंबर 6 मैंने करवाया, उसके हिसाब से 7, 8 और 9 आपको करना है, क्लियर। आज के लिए बेटा इतना, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में और आगे बढ़ेंगे नंबर 10 से। थैंक यू।